हाय, आई एम आकांक्षा अवस्थी और आप लोग देख रहे हैं भोजपुरी बातें। भोजपुरी बातें के दर्शकों के लिए मेरा ढेर सारा सा प्यार उनके लिए। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम शिवानी है और मैं एक्टिंग करती हूँ, एक्ट्रेस हूँ। और यमदूत मैंने एक कैरेक्टर किया है जो यमदूत में जो मेन लीड है उनके बेस्ट फ्रेंड की मैं वाइफ बनी हुई हूँ इस मूवी में। तो बहुत अच्छा लगा यमदूत की टीम के साथ काम करके हमें।
यमदूत करके कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि स्टोरी बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत डिटर्मिनेशन के साथ काम कर रहे हैं इसमें, और इस सबकी मेहनत देखकर और मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो वो काफी इम्पैक्टफुल है, तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसकी रिलीजिंग को लेकर मैं जी। जो फिल्म की शूटिंग है पूरी यूनिट है, आपको जो को स्टार है क्या कहना चाहेंगे? सब बहुत कोऑपरेटिव है, सब बहुत कोऑपरेट करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे डायरेक्टर हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत हेल्प की जब हमारा शूट चल रहा था, एक एक सीन को समझाना। और सुनील चालक सर हैं डायरेक्टर हमारे, उन्होंने बहुत हेल्प की, और सारे जो भी हमारे को एक्टर्स थे उन्होंने भी काफ़ी मदद की। इनफैक्ट वो तो मेरी अच्छी दोस्त बन चुकी हैं अभी काम करते करते, तो बहुत अच्छे हैं सब लोग, सबका कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। हीरो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हीरो के बारे में, हीरो हमारे विनोद सर बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बहुत ही डिसिप्लिनफुल है, मतलब टाइमिंग का बहुत ख्याल रखते हैं वो, और बहुत डिसिप्लिन है। आज के टाइम में वैसे हीरोज बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया, और उनकी फर्स्ट मूवी थी तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट कि देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। बाकी तो हमारी आपकी पहली फिल्म है भोजपुरी? जी, ये मेरी पहली फिल्म है भोजपुरी। इसके पहले आपने क्या कुछ किया है? इसके पहले मैंने मॉडलिंग की है, मैं मिस उत्तर प्रदेश ब्यूटीफुल आइज रह चुकी हूँ, और मिस अवध ब्यूटीफुल स्माइल रह चुकी हूँ, और मिस गोरखपुर रह चुकी हूँ, और मैंने मूवी भी की है एक, वो अभी आई नहीं है तो मैं उसका नाम अभी ओपन नहीं कर सकती, बट उसकी भी उम्मीद है कि वो न्यू ईयर तक रिलीज हो जाएगी। भोजपुरी इंडस्ट्री को आपने क्यों चुना? लोग बॉलीवुड में हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, आपने भोजपुरी इंडस्ट्री को चुना? भोजपुरी को चुनने का कोई खास रीजन नहीं था, एक्चुअली मैं खुद बिलोंग करती हूँ वैसे कल्चर से, तो भोजपुरी कल्चर ही है मेरा, और कल्चर के लिए अब जब हम अपने कल्चर के लिए कुछ भी करते हैं तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है, तो मैं भले ही कल को बॉलीवुड में आ भी जाऊं लेकिन भोजपुरी से जो अटैचमेंट है वो और किसी चीज से नहीं हो सकता मेरा। तो क्या ये माना जाए कि जी मिस गोरखपुर बनने के बाद अब मिस भोजपुरी बनेंगे? बस ये तो जनता पे डिपेंड करता है, अगर उनकी दुआएं होंगी, उनका समर्थन होगा तो बिल्कुल एक दिन बनूंगी जी। मतलब आपके नाम के आगे मिस भोजपुरी लग जी, दुआ करते हैं बस ऊपर वाले से जी। अपने ऑडियंस से, अपने फैंस से क्या अपने करियर को लेकर क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ऑडियंस से और मेरे फैंस से गुजारिश है कि वो लोग, आपके फैंस, आपके जो दर्शक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे दर्शक हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो मूवी है मैंने की है उसमें आप लोगों के सहयोग की और आप लोगों के समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप लोगों का प्यार हमेशा से मुझे मिलता रहा है और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही खूब सारा प्यार मुझे दीजिए और खूब सारा प्यार हमारी टीम को दीजिए, यमदूत की टीम को। सब लोगों ने काफी मेहनत की है, काफी मेहनत की है इसको बनाने के लिए, काफी मेहनत की है इसके एक्शन सीन्स के लिए। इनफैक्ट इसमें एक्शन सीन्स बहुत ही अच्छे हैं, हमारे जो एक्शन दादा थे उन्होंने काफी अच्छा इसमें एक्शन सीन्स डाले हैं, तो भोजपुरी में एक रेवोल्यूशन की तरह ही आएगी, तो आप लोगों के प्यार की और समर्थन की हमें वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरत है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मूवी देखने जरूर और जरूर जाए। फिल्म में जब निर्माण होता है तो सबसे अहम पात्र होते हैं जो पैसा लगाते हैं फिल्म के निर्माता जी, उनका उनके बारे में क्या कहना चाहिए? वो बहुत अच्छे हैं, खुद सर ने, विनोद सर ने लगाए हैं इस पे, तो उनके लिए मतलब मैं क्या बोलूं अभी, उनके लिए खूब सारी दुआएं हैं, और मैं विश करूंगी कि उनके साथ फ्यूचर में भी मैं काम करूं, और वो उन्होंने मुझे चूज़ किया है इस मूवी के लिए, तो मैं चाहती हूं कि उनके साथ काम करूं, उन्होंने शायद मुझ में वो क्वालिटी देखी कहीं ना कहीं जो सब लोग नहीं देख पाए, तो थैंक यू सो मच उसके लिए, और दुआ करती हूँ कि इस मूवी से वो दुगना कमाए और हमें लेकर फिर से एक मूवी बनाए। अब तक जो आपका सफर रहा बताना चाहेंगे, अब तक आपने क्या क्या वर्क किया है? बताया तो नहीं, क्या प्लानिंग आपका कैरेक्टर में? अभी मेरी एक और मूवी आने वाली है, मेहंदी लगा के रखना, उसमें भी मेरा एक कैरेक्टर है, तो बस उसके लिए दुआ कर रही हूँ, और आगे एक दो गाने के अभी शूट्स चल रहे हैं मेरे, और उसके आगे देखते हैं अभी क्या होता है। हैं और यमदूत की सभा में उर्वशी रंभा नृत्य कर रही है। ये मेरी सबसे लाडली, सबसे अच्छी दोस्त है, और आज की तारीख में इससे अच्छी डांसर है भी नहीं कोई।
क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा फील्ड खुल गया है। कुछ हमारी अच्छी डांसर्स जैसे सीमा सिंह शादी कर लिया और संभावना जो है वो बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन आज उनका हर आदमी उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारी जो फिल्मों का वो है, आज मुझे लगता है कि ग्लोरी से बढ़िया अच्छी डांसर कोई नहीं है। भले हीरो ने कर ले आइटम डांस, बड़े ही दूसरे लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्लोरी अगर सेट पे साथ काम कर रही है तो ऐसा नहीं लगता कि हम किसी और के साथ काम कर रहे हैं, किसी गैर के साथ काम कर रहे हैं। ग्लोरी जी, ये कॉम्प्लीमेंट सुन के कैसा? वाह, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब सीनियर मेरे जितने भी इतने टाइम से इंडस्ट्री को जानते हैं और वो मुझे तारीफ करें, मुझे कॉम्प्लीमेंट दे, ब्लेसिंग्स दे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ग्लोरी, देखो ये सिर्फ आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपका स्वभाव ऐसा है, आप इतनी बेहतरीन डांसर हैं और आपका स्वभाव है, आप सब में घुल मिल जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल सकते। तो यमदूत के सेट के जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्या कहना चाहें, पूरी फिल्म की शूटिंग कैसा रही? देखिए, मैंने ये पूरी पिक्चर की है, हमने पूरी फिल्म की शूटिंग रांची में किया है और सुनील जी एक अच्छे डायरेक्टर हैं, मतलब भगवान ने चाहा तो वो इसमें प्रूव भी करेंगे। और रही बात प्रोड्यूसर, ये विनोद सिंह हैं, इस फिल्म के हीरो भी हैं, इन्होंने भी पहली फिल्म के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है वाकई। और कहीं कहीं मैं इनको समझाता भी था कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, और एक्सेप्ट करते थे। और आप देखेंगे पिक्चर तो आपको लगेगा नहीं कि ये नए हैं या पहली फिल्म कर रहे हैं। और सुनील जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आज हम एक आदमी को मिस कर रहे हैं, हाँ, उनका नाम भी विनोद गिरी है, उनके फादर साहब गुजर गए तो वो उस मौके पर नहीं आ पाए। वो जो बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे आर्टिस्ट और टोटल टीम बहुत अच्छी थी। मैं तो आइटम सॉन्ग कर रही हूँ और मैं बेस्ट विशेस देना चाहूँगी हमारे हीरो सर को, विनोद सर को, और मैं ये बोलूँगी कि सर भले ही पहला हो और मैं चाहूँगी कि आप आ जाए, छा जाए, और ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जितने भी नए कलाकार हैं उन्हें आशीर्वाद दीजिए, उन्हें ब्लेसिंग दीजिए और प्लीज़ पिक्चर देखने ज़रूर जाइएगा। गुरु जी, बात करें यमदूत की सभा में आपने अभी जो ठुमके लगाए हैं, अपना जलवा दिखाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे, मेरे ठुमकों के बारे में ब्रिजेश सर ने बोल दिया, मैं चाहूँगी कि आप हीरो सर से पूछिए मेरे मुँह से क्या तारीफ सुनेंगे, मैं तो बस नाच ही रही हूँ, नाच ही रही हूँ। गाना बहुत प्यारा है, बिच्छू बना दिया, जो कि एक्चुअल में स्कॉर्पियन हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे ऊपर ही गाना है, डंक मारती हूँ और मैं हर गानों में डंक ही मारती हूँ, सर को ही पता है कितने डंक मारती हूँ मैं, लेकिन मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और पहली बार कोरियोग्राफर सर के साथ काम कर रही हूँ, राजू सर के साथ, उन्होंने काफ़ी हिंदी फिल्में की है और मज़ा आ रहा है। मतलब हमेशा से भाग दौड़ रहती है कि 3-4 घंटों में गाना खत्म करना है, लेकिन आज प्रॉपर टाइम देके हम लोग शूट कर रहे हैं तो अच्छा। टोटल टीम बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है, कैमरामैन साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, डांस मास्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक जिसे बोलते हैं ना आपस में एक बहुत खूबसूरत तारतम्य बना हुआ है लोगों का, और हम भी पूरे तरह से जितना हो सकता उतना इन्वॉल्व हैं इस गाने में। ग्लोरी जी, भी आपने कहा था कि आप डंक बहुत मार लेते हैं, तो आपके डंक से कितने घायल हुए हैं? कोई घायल नहीं होता, सब मुझे घायल करके चले आते हैं। इन्होंने भी उल्टा मुझे रिवर्स दे दिया, पप्पी दे दी मुझे, तो मेरे डंक से मुझे ही वापस आ जाते हैं और मैं ऐसे फिदा हो जाती हूँ, वाह मुझे पप्पी दिया, तो मैं ही फिदा हो जाती हूँ, मेरे डंक वापस रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मुझे ही आ जाते हैं। विनोद जी, आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म की पूरी टीम किस तरह हंसते? नहीं, मेरे बारे में क्या बोलना चाहेंगे, फिल्म के बारे में बातें बोलेगा? देखिए, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि ये टीम बहुत अच्छी टीम है, वो चाहे हमारे डायरेक्टर हों, हमारे डीओपी हों, चाहे हमारे सीनियर आर्टिस्ट हों, चाहे ब्रजेश सर हैं, उधर सुशील सर हैं, हमारी आइटम डांसर ग्लोरी हैं, सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि पब्लिक को पर्दे पे वो दिखेगा और लोगों को पर्दे तक जाना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ यमदूत ने क्या लेकर आए हैं, लोगों का काम वहाँ पे दिख पाएगा, क्योंकि विशेष बोलने से तो नहीं होता है, बस जनता से यही मैं कहूँगा कि वो जाके थिएटर तक देखें और हमारे काम को सराहें। सर, आप बोल रहे हैं? हाँ, सही बात है, बड़े भी है। मैं यमदूत की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, सबने बहुत अच्छा काम किया है और सब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और मेरी दर्शकों से एक अपील है कि प्लीज़ आप सिनेमा हॉल में जाके देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, एक अच्छी फिल्म देखेंगे आप। थैंक यू, धन्यवाद। ग्लोरी जी का ये जो परफॉर्मेंस है और जिसे इनको यमदूत की सभा में एक अच्छा नृत्य पेश किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए ग्लोरी जी का नृत्य वाकई में काबिले तारीफ है। इन्होंने अपना बहुत अच्छा योगदान दिया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और हमारे गाने भी हैं जो बिल्कुल इन पे फिट आते हैं। और इनका एक ख्वाहिश था कि इस तरह के सॉन्ग पे ये परफॉर्म करें, जो आज इनका सपना साकार हुआ है। तो दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि वो थिएटर तक जाएं और इनके गाने देखें और इनकी थोड़ी तारीफ करें। ये जो बिच्छू बनाया इनको डंक मार रही है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इमेजिन किया कि इस तरह से परफॉर्मेंस होना चाहिए? नहीं, इनको नाम, इस नाम से ही इनको जाना जाता है कि ये इंडस्ट्री में फेमस हैं डंक मारने के नाम से, तो इसलिए ये गाना इन पर ज़्यादा फिट आया, इसलिए आपने लिखवाया। हाँ, इसीलिए स्पेशली इन पर लिखवाया है मैंने गाना। जी विनोद जी, आपके किरदार के बारे में बता देंगे, आपने भूमिका में नजर आना। देखिए, इसमें मेरा बहुत तरह का कैरेक्टर है। सबसे पहले तो मैं एक प्रोफेशनल किलर के रूप में दिखूंगा लोगों को, और साथ में मेरा जब वहाँ से टर्निंग पॉइंट आएगा तो एक सीधे साधे रोल में भी आऊँगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो कि फिर से मुझे उस स्टेज पे खड़ा कर देते हैं जो एक परिवार के लिए, एक अपने फैमिली को बचाने के लिए फिर से उस आदमी को वो रूप, यमदूत का रूप लेना पड़ता है। और यमदूत सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसा नाम है जो सब लोगों के जुबान पर चढ़ेगा, और इसके संगीत खास के बहुत काफ़ी लोकप्रिय हैं और वो तो जनता को सुनने के बाद ही मिलेगा। और इसके जितने भी शूटिंग्स हुए हैं, जितने भी लोकेशन हैं, सब मैंने अपने ढंग से अच्छा ही लिया है। ये तो बाकी जनता तय करेगी कि वो कितना मुझे सराहती है। और आपको एक चीज़ और बता दें, ये यमदूत मूवी और भोजपुरी मूवी की तरह नहीं है जो एक गांव, एक देहात और कुछ किसान वगैरह को लेके बनाई जाए। इसको एक बॉलीवुड के तर्ज पर एक बड़ा फलक दिया जा रहा है। सॉन्ग भी उसी तरह से रखे गए हैं, लोकेशंस भी उसी तरह के हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसके एक्शन सीन जो कि हमारे साउथ के एक्शन डायरेक्टर देवराज हैं उनके द्वारा ये पूरी फिल्माया गया है, और जितने भी एक्शन हैं उसको मैंने बिल्कुल परफेक्ट करने का प्रयास किया है। और उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो किसी दूसरे के द्वारा किया गया है, वो सारे एक्शन सीन्स मेरे खुद के किए हुए हैं। और जो भी और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक्शन सीन किया है वो खुद से किया है, ये इसका प्लस पॉइंट है, जो कि लोगों को, दर्शक लोगों को थिएटर तक जाने के बाद ही वो चीज़ पता चल पाएगा। आज तो इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, हमारे सीनियर बहुत सारे हैं, बस मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि इस यमदूत के सहारे इंडस्ट्री को एक नई पहचान दी जाए। और उसमें मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक लोग हैं वो जितना सहयोग करेंगे तभी तो उस मुकाम को मैं हासिल कर पाऊँगा। और हमारे टाइटल के पीछे का क्या राज है, ये कुछ ऐसा कुछ यमदूत, जैसे हम लोग जानते हैं कि यमदूत वो चीज़ होता है जो किसी के, जब किसी भी इंसान का मौत आता है तो लोग ऐसे ही भाषा में बोलते हैं कि यमदूत का बुलावा आ गया। उसी तरह इसमें जो यमदूत का किरदार है वो उसी तरह के लिए कि जो हमारे समाज में फैली हुई बुराइयां हैं उसका अंत करने के लिए वो यमदूत के रूप में वो आता है और जनता का सेवक बनता है। जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे विनोद जी के बारे में, भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने तो इससे पहले बेस्ट विशेस दे ही दिया है, और मैं आज पहली बार मिली हूँ विनोद जी से। मैं आगे एक्सपेक्ट करूँगी कि हम साथ में एक्टिंग करें, एक्शन करें, बहुत सारी चीज़ें करें, क्योंकि आइटम सॉन्ग आप सभी को पता है, आइटम सॉन्ग तो खैर कर ही रही हूँ, बट आइटम सॉन्ग के अलावा मैंने एक्टिंग स्टार्ट कर दिया है, बुढ़ापे का सहारा कब तक आइटम करूँगी। लेकिन विनोद सर, वेलकम टू भोजपुरी इंडस्ट्री। थैंक यू, एंड आई होप, आई प्रे कि बहुत अच्छा करें हम लोग का फिल्म। ऑडियंस आए थिएटर में, प्लीज़ आप आइए, हम लोग फिल्म देखिए और इनको आशीर्वाद दीजिए ताकि ये और फिल्मों में नजर आए। विनोद जी, रिलीज का क्या प्लान है, कब तक रिलीज करने वाले हैं? अच्छा, तो मैं चाह रहा हूँ कि न्यू ईयर में रिलीज करूँ ताकि 2020 में लोगों को कुछ अच्छा देखने के लिए मिले, और मेरा यही प्रयास रहेगा। और बाकी मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता का अगर सहयोग मिले तो हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर, विनोद जी थोड़ा फेस लाइट नहीं आ रही, ग्लोरी जी आपका फेस लाइट नहीं आ रहा थोड़ा सा। हाँ, आप लोग उधर चले, सुनो ना, आप लोग उधर चले जाए क्योंकि
press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.